हेलो फ्रेंड्स, जय सुम डी एन सिविल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तीस का पूरब मुखी घर का नक्शा और वो भी पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार, इसका पूरा डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इधर फ्रंट साइड, इधर 30 फीट यहाँ से यहाँ तक की, और इधर 30 फीट यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर यहाँ से एंट्री होती है, इधर आपका मेन डोर, इसका साइज है 4 फीट, इधर यहाँ से यहाँ तक की 15 फीट 6 इंच, ठीक है। इधर एक विंडो है इस तरफ, इधर यहाँ से यहाँ तक 21 फीट, यहाँ से यहाँ तक की। इधर आपका पूजा रूम, इसका साइज इधर 4 फीट, इस तरफ 10 फीट, ठीक है। इधर एक वेंटिलेशन है, इधर ईशान कोण है, इधर पूजा रूम सही माना जाता है वास्तु के अनुसार, क्योंकि देवस्थान है। और इधर आपका डाइनिंग एरिया, इसका साइज है 15 फीट 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक की, इस तरफ 7 फीट 10 इंच, यहाँ से यहाँ तक की। इधर एक विंडो है, इधर आपका किचन, इसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट का। इधर एक विंडो है, इधर एक विंडो है, इधर आपका अग्नेय कोण है, किचन यानी आपका रसोई घर सही माना जाता है वास्तु के अनुसार। इधर सीढ़ियाँ से ऑफ होगा वैसे यहाँ लैंड। इधर एक वेंटिलेशन है, इसका साइज है इस तरफ 6 फीट 8 इंच, इधर 12 फीट, ठीक है। इधर आपका बेडरूम, इस तरफ एक विंडो है, इधर एक विंडो है, इसका साइज है इस तरफ 12 फीट, यहाँ से यहाँ तक की, इस तरफ 10 फीट, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर आपका लेट बाथ, इसका साइज है इधर 4 फीट, यहाँ से यहाँ तक। इधर एक वेंटिलेशन है, इधर 6 फीट 6 इंच, ठीक है। इधर आपका दूसरा बेडरूम, इधर एक विंडो है, इधर एक विंडो है, इसका साइज है 10 फीट बाय 12 फीट का, ठीक है। इस नक्शा का इनसाइड और आउटसाइड वॉल 10 इंच का है, ये इधर ये वॉल 5 इंच का है। इस नक्शा का कलम का पोजीशन इधर एक, इधर 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 यहाँ पर भी टिक दिख रही है, वहाँ पर आप कलम लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस घर का नक्शा आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।